तो दोस्तों लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए और एक गुड न्यूज, क्योंकि भाई इन्फिनिक्स अपना नोट 40 सीरीज को ऑफिशियली इंडिया पे लॉन्च कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार दो 5G फोन को लॉन्च कर रहा है, लेकिन उसके बारे में आगे बात करेंगे, कब लॉन्च हो रहा है, क्या कुछ आपको प्राइस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इस वीडियो में इन्फिनिक्स का जो GT20 Pro 5G आएगा ना, उसके बारे में भी बात करने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फोन काफी बढ़िया होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आज का ये Q&A वीडियो है दोस्तों। आप लोगों ने बड़े बढ़िया कमेंट किया है, सबका रिप्लाई इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं। फ्लिपकार्ट का होली का सेल स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, वीडियो बहुत ही जल्द आपको चैनल पे मिलेगा, मेरी तरफ से 500-2000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो कौन सा मोबाइल लेने के बारे में आप सोच के रखो, कॉमेंट बॉक्स में जाओ और कॉमेंट करके मुझे बता दो, ताकि आपको मेरी तरफ से डिस्काउंट है वो आपको मिल सके। चलिए पहला कॉमेंट देख लेते हैं। 15,000 से 20,000 के बीच में बेस्ट 5G मोबाइल कौन सा लेना चाहिए, प्लीज दो दिन बाद ही लेना है। 15 और 20 भाई एक बहुत गैप हो जाता है। अगर 20,000 के बजट के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो अभी के टाइम में IQ Z9 5G काफी बढ़िया फोन है, या फिर आप Vivo का T3 5G का भी वेट कर सकते हो। वैसे बता दूं दोनों ही फोन लगभग सेम ही फीचर्स आपको मिलने वाला है, तो उनमें से आप कोई फोन ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है Realme 12 Plus 20,000 में मिल सकता है 8GB 256GB वाला। तो देखो भाई Realme 12 Plus जो 5G आया है, मैं सबको कह रहा हूं भाई ये फोन बिल्कुल भी मत परचेस करना, क्योंकि इस बजट में और भी बेहतर फीचर्स आपको दूसरा ब्रांड का फोन में मिल जाता है। चलो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई पूछा है 10,000 के आसपास के बजट में 5G फोन सजेस्ट करो। तो देखो भाई 10,000 के बजट में मोटो का G34 5G आ जाता है, काफी बढ़िया फोन है, या फिर आईटेल का P55 5G भी आप देख सकते हो। वैसे मोटो का फोन ज्यादा बेटर है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है IQ Z7 Pro मोबाइल लूंगा, ठीक रहेगा, प्लीज रिप्लाई भाई। तो जी हाँ भाई, आप ले सकते हो, काफी बढ़िया फोन है। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है Poco M6 Pro कैसा है भाई, 8GB 256GB वाला। Poco M6 Pro अभी के टाइम में लेना बेवकूफी होगा, उसको स्किप कर दो, क्योंकि इससे भी बेहतर फोन आपको मार्केट में जिस बजट में आप लोगे ना आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है टेक्नो जो पोभा का 6 Pro आप रिव्यू के बाद बेचोगे। तो भाई देखो, अगर फोन आप लेना चाहते हो डिस्काउंट वगैरह में ना, तो इसके बारे में मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करो, वहां पर मैं आपको सारे डिटेल्स बता दूंगा जो भी मोबाइल में आपको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है बेस्ट कैमरा मोबाइल 20,000 के अंदर कौन सा लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी के टाइम में शायद Nothing Phone 2A आप ले सकते हो, ऑफर वगैरह लगा के वो 20,000 में मिल जाता है, या फिर आप IQ Z9 भी ले सकते हो, लेकिन वहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक अच्छा कैमरा वाला ही फोन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा और पैसा ऐड कर दो, आपको Vivo T2 Pro मिल जाता है, IQ Z7 Pro मिल जाता है, उनमें से आप कोई फोन ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है हाथ में कौन सा मोबाइल लिए हो। मेरे हाथ में जो फोन है वो पूछा है, तो भाई ये Honor 90 5G है, जो कि मैंने एक सेल में परचेस किया था 23,000 में। मुझे ये फोन काफी बढ़िया लगा, इसलिए क्योंकि इसका कैमरा नेक्स्ट लेवल का फारू कैमरा है। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है Under 20 to 25,000 गेमिंग भी मतलब चाहिए। तो भाई अगर आपको बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए तो Poco X6 Pro 5G ले लेना, काफी बढ़िया फोन है और 25,000 के आसपास के बजट में वो फोन आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। भाई ने पूछा है Vivo T2 ले लूं, बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि T3 आ रहा है दोस्तों और T2 थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अभी के टाइम में और भी बेहतर फोन, कुछ दिन रुक जाओ आपको मिल जाएगा, या फिर सेल का वेट करो, और भी बेहतर फोन शायद आपको डिस्काउंट में मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। OnePlus Nord CE 5 का वीडियो बनाओ। देखो भाई OnePlus Nord CE 4 अभी लॉन्च हो रहा है, पहले उसे तो लॉन्च हो जाने दो, प्राइस वगैरह देख लेते, उसके बाद उसका सक्सेसर भी आपको मिलेगा, लेकिन भाई थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 4 ही लॉन्च नहीं हुआ है तो 5 कहां से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है Under 16,000 ऑलराउंडर फोन प्लीज सजेस्ट। तो भाई 16,000 में Poco X6 Neo 5G एक बेस्ट फोन है, उसको मैं डिस्काउंट में भी दिला सकता हूँ, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर लेना, और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो, टेक्नो पोभा 6 Pro 5G भी आ रहा है। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है Moto G54 गरम क्यों हो जाता है जल्दी। तो भाई Moto G54 5G मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, मेरा घर पे है। तो देखो भाई वो जो फोन है ना, थोड़ा सा हीट होता है, मैंने भी नोटिस किया है, लेकिन इसको ओवर हीट नहीं कह सकते, क्योंकि फोन हीट होने के बाद हैंग या फिर लेग नहीं करता है। तो जो हीट होता है ना, उसको आप नॉर्मल हीट कह सकते हो और आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं देता है, मैंने उसको यूज करके देखा है। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है 12,000 के अंदर ऑलराउंडर फोन। तो मोटो का G34 ले लेना भाई, 12,000 के आसपास के बजट में 5G है
और ऑलराउंडर फोन है, काफी बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। पूछा है यहाँ पर, सर मुझे कर्व एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, ऑलराउंडर फोन 20 से 22 हजार तक। तो 20-22 हजार में तो ऑफर में आपको वीवो का T2 Pro मिल जाता है, या फिर IQ Z7 Pro मिल जाता है, Infinix 030 मिल जाता है, तो काफी सारा ऑप्शन है दोस्तों। Tecnopova 5 Pro 5G लेना चाहिए गेमिंग के लिए, तो अभी के टाइम में मुझे लगता है ये फोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका सक्सेसर आ रहा है दोस्तों। अब देखते हैं उसका बजट क्या होता है, मतलब किस प्राइस में आता है, वो लॉन्च होने के बाद शायद इसका प्राइस फिर से कम हो सकता है, तो उस टाइम आप अगर लोगे तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा का होगा, क्योंकि आप अपना पैसे को बचा सकते हो, या फिर आप Tecnopova 6 Pro 5G का प्राइस देख लो, अगर आपका बजट में वो आता है तो वो आप ले लेना, क्योंकि वो सक्सेसर है और ज्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड कराएगा। चलो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है, मुझे बेस्ट बैटरी और लॉन्ग टाइम के लिए 15 से 20 हजार के अंदर फोन चाहिए। तो भाई Tecnopova 6 Pro 5G का वेट करो, क्योंकि बेस्ट बैटरी आपने कहा है तो 6000 mAh का बैटरी वहां पर आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से मैं आपको वही फोन रिकमेंड करूंगा। वैसे भाई 15 से 20 हजार में और भी काफी सारा फोन है, लेकिन बैटरी उतना बड़ा नहीं है 6000 के हिसाब से, इसलिए मैं वो फोन आपको रिकमेंड कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है, सर इन्फिनिक्स का अपकमिंग मोबाइल। तो देखो भाई, इन्फिनिक्स भाई काफी सारा फोन मतलब लॉन्च करने वाला है, जैसे कि उनमें से नोट 40 सीरीज तो आपको पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद GT सीरीज, उसके बाद जीरो सीरीज, तो काफी सारा फोन आने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द शायद 102 दिन में आपको एक अपकमिंग स्मार्टफोन वाला वीडियो भी आपको चैनल पे मिलने वाला है। बहुत सारा फोन आने वाला है दोस्तों, तो सारे फोन का मैं अलग अलग वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो एक अपकमिंग स्मार्टफोन का वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारे डिटेल्स बता दूंगा, तो वो वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। चलो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है, प्लीज सर अंडर 25,000 बेस्ट गेमिंग फोन। तो भाई पोको का जो X6 Pro 5G है वो ले लो भाई, उस बजट में एक बेस्ट फोन है। चलो नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। भाई ने पूछा है, Honor 90 20K में मिले तो कैसा फोन रहेगा। तो भाई मैं कहूंगा बेस्ट फोन है कैमरा के लिए खास करके, बाकी गेम वगैरह भी खेल सकते हो, लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा गेम खेलते हो तो फिर ये फोन आप मत परचेस करना, क्योंकि गेमिंग के लिए और भी बेहतर फोन आपको मार्केट में मिल जाता है। चलो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है, ब्रो प्लीज सजेस्ट मी लावा ब्लेज कर्व 5G वर्सेस IQ Z9 वर्सेस Realme 12 Plus। तो 12 प्लस को तो बिल्कुल भी मत लेना रियल का, बाकी Z9 काफी बेहतर फोन है, क्योंकि वहां पर गेमिंग के लिए प्रोसेसर काफी बढ़िया दिया है, लेकिन लावा ने जो फोन लॉन्च किया है वो भी काफी बढ़िया है, क्योंकि वहां पर LPDDR5 और UFS 3.1 स्टोरेज, कर्व डिस्प्ले, ग्लास बैक पैनल, तो सब कुछ बेहतर है, लेकिन कैमरा में वहां पर आपको कमियां देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आप चूज कर लेना, अगर आपको कैमरा थोड़ा सा बेहतर चाहिए तो IQ की तरफ जा सकते हो, अगर कैमरा एवरेज भी आपको चलेगा तो आप भाई लाभा की तरफ जा सकते हो, वो भी काफी बेहतर फोन है। चलो नेक्स्ट फोन देख लेते हैं। भाई ने पूछा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्मार्टफोन बाय करना चाहता हूँ, क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है। जरूर भाई, क्योंकि मैं हर एक मेरा व्यूअर्स को डिस्काउंट देने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो इसके रिलेटेड जो भी आपका मन में क्वेश्चन है वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाके प्लीज फॉलो कर लेना, और उसके बाद जो भी आपका सवाल है वो मैसेज कर सकता हूँ, मैं रिप्लाई दे दूंगा। चलो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भाई ने पूछा है, अंडर 21,000 सबसे बेस्ट फोन कौन सा रहेगा। तो भाई सबसे बेस्ट तो कोई नहीं होता है, हर फोन में कुछ ना कुछ कमियां रहता है। तो भाई Nothing Phone 2A भी ले सकते हो, कैमरा काफी अच्छा है, या फिर आप वीवो का T2 Pro भी ले सकते हो, और भी काफी सारा फोन है उस बजट में, तो आप देख लेना एक बार रिव्यू वगैरह सारे फोन का, और उनमें से कोई भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। भैया पोको M6 Pro 5G लेना चाहिए। नहीं भाई, बिल्कुल भी मत लेना। और यहाँ पर नार्जो N55 के बारे में भी पूछा है, तो दोनों ही फोन बकवास है, दोनों को भाई स्किप कर दो। Tecnopova 6 Pro कब लॉन्च होगा, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे डाल के रखा है, मैंने कल ही वो वीडियो डाला है, काफी बढ़िया फोन है और उसका लॉन्च डेट इंडिया का कंफर्म हो चुका है दोस्तों। वैसे में प्राइस के बारे में भी वो वीडियो में बताया है, तो प्लीज वो वीडियो जरूर से देख लेना। वैसे मैं आपको बता दूं, इसी महीने में वो फोन इंडिया पे लॉन्च हो रहा है, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है, इस फोन का एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, जब भी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। 15,000 के अंदर बेस्ट कैमरा फोन क्या है। तो 15,000 के अंदर मोटो का G54 5G, क्योंकि उसमें OIS आपको मिल जाता है, जो कि उस बजट में दूसरा किसी भी ब्रांड में नहीं मिलता है। कैमरा काफी अच्छा है, फोटो काफी अच्छा निकाल के देता है उस बजट में, क्योंकि मेरे घर में है तो मुझे पता है, तो वही फोन कैमरा के लिए बेस्ट है। बाकी आगे अगर कोई दूसरा फोन आता है तो फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। पूछा है यहाँ पर, ब्रो मुझे ऑलराउंडर फोन चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा, Camon 20 Pro या फिर पोको का X6। तो मुझे लगता है पोको का X6 लेना चाहिए, क्योंकि भाई ने यहाँ पर गेमिंग के बारे में भी मतलब कहा है। G54 डिस्काउंट मिलेगा क्या होली में। जरूर मिलेगा, होली का सेल आने ही वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, होली का सेल में मेरी तरफ से भी डिस्काउंट
मिलने वाला है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, धमाकेदार डिस्काउंट आपको मैं दूंगा भाई। तो नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं, पूछा यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज कब आएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो भाई, नोट 40 सीरीज ऑफिशियली इंडिया पे लॉन्च हो रहा है, उसका टीजर भी आ चुका है। अगर आप कहोगे तो मैं उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के बता सकता हूँ। वैसे बता दूं, नोट 40 प्रो सीरीज आ रहा है, प्रो मतलब प्रो 5G और प्रो प्लस 5G करके दो फोन यहाँ पर इन्फिनिक्स इंडिया पे लॉन्च कर रहा है। अब कब लॉन्च कर रहा है, क्या कुछ फीचर्स होगा, डिजाइन कैसा होगा, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कॉमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर बता दूंगा कब लॉन्च हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है। बाकी आपको तो बताइए, इन्फिनिक्स का फोन लॉन्च हो रहा है मतलब एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। तो भाई ने पूछा है इन्फिनिक्स का GT20 प्रो कब लॉन्च होगा। तो देखो अभी नोट सीरीज लॉन्च हो रहा है, तो भाई उसके बाद ही GT20 सीरीज आएगा। वैसे GT20 प्रो के बारे में पूछा है, तो नोट सीरीज लॉन्च हो जाने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि कब GT20 प्रो आएगा। वैसे GT20 प्रो का एक वीडियो शायद मैंने चैनल पर डाला था, तो अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो वीडियो चैनल पर है, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। तो ये सारा धमाकेदार क्वेश्चन आज मुझे किया गया था, मुझे लगता है सारे क्वेश्चन का रिप्लाई ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। अगर आपका ही मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर जाओ, मुझे मैसेज कर दो, मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में आपका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब मस्ट करना, क्योंकि बैक टू बैक अनबॉक्सिंग, साथ में होली का सेल का वीडियो और भी काफी कुछ वीडियो इंटरेस्टिंग आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया अपकमिंग स्मार्टफोन का वीडियो भी आने वाला है, तो भाई एक भी वीडियो मिस मत करना। बाकी चलिए, जाते जाते चाहो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर चाहो तो ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट को इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।